नमस्कार आदाब, स्वागत है आपका 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल में। मैं आमिर नावेस। चलिए करते हैं शुरुआत देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। इंडोनेशिया में नए श्रम कानून के खिलाफ हुआ उग्र प्रदर्शन, मजदूर और पर्यावरण के लिए बताया खतरा। पाकिस्तान का महंगाई से बुरा हाल, गेहूं 60 रुपए प्रति किलो, भारत पर थोड़ा ठिकरा। साल के आखिर तक अफगानिस्तान से अमेरिका सेना हटाने के फैसले से अवगत नहीं है यूएएस अधिकारी। जर्मनी में अप्रैल के बाद संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले, फ्रांस में भी हालात बिगड़े। दुनिया में 3,60,00,000 केस। रामविलास पासवान के सम्मान में आज दिल्ली सहित सभी राज्यों की राजधानियों में आधा फहराया जाएगा राष्ट्रीय ध्वज। मैक्सिको में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 8,00,000 के पार। श्री पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के द्वार 15 अक्टूबर तक भक्तों के लिए बंद। पुजारी सहित कई कर्मचारियों को हुआ था कोरोना। जल्द ही 75% घरेलू उड़ानों की मंजूरी मिलेगी, हरदीप सिंह पुरी ने कहा। देश में कोरोना से 59,00,000 लोग हुए ठीक, 9,00,000 से कम हुए एक्टिव केस। चंडीगढ़ में नक्सलियों के लगाए प्रेशर बम पर ग्रामीण दंपति का पड़ा पैर, हुआ धमाका। रोज होगी आपकी और हमारी मुलाकात देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ।